हेलो फ्रेंड्स, आज टुडेज टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। हमने इससे पहले फोर प्रिंसिपल्स पढ़ लिए। फोर प्रिंसिपल्स में थे सेलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग। ओके, सेलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। क्या होता है? अभिप्रेरणा। ये जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है? एक इंटरनल प्रोसेस। ये क्या है? इंटरनल प्रोसेस। इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, एनर्जी या इंटरनल प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि हमको अंदर से जो एनर्जी आती है या अंदर से जो प्रोसेस होता है या जो इंटरनल हमको जो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो कहलाता है मोटिवेशन। ठीक है ना? मतलब मोटिवेट कर रही है कोई चीज़। तो जनरली जो मोटिवेशन होता है वो बाहर से नहीं मिलता। बाहर से जो मोटिवेशन मिलता है वो थोड़े से टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो लॉन्ग पीरियड। जब तक जैसे आपको बाहर से किसी ने मोटिवेशन दे दिया, कुछ करने के लिए कहा, अभी प्रेरित किया कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन आप खुद इंटरनली अगर मोटिवेट नहीं होते हो तो आप वो काम थोड़े दिन तो कर लोगे, आफ्टर दैट आप थोड़े दिनों बाद वो काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये जो चीज़ होती है मोटिवेशन, ये होता है एक इनिशियल फेज। क्या होता है? इनिशियल फेज। इनिशियल का मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग फेज। क्या हो गया? स्टार्टिंग। यानी सबसे पहले हमारे लाइफ में क्या होना चाहिए? कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन क्या होना चाहिए? एक जो स्टार्टिंग स्टेप है, यानी फर्स्ट स्टेप बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो? फर्स्ट स्टेप। ओके, कोई भी काम करने के लिए आपको सबसे पहले आपको मोटिवेट होना जरूरी है। अगर आप मोटिवेट नहीं होगे तो आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है? और अगर आप स्टार्ट भी कर लेते हो किसी और की मोटिवेशन से, आउटर मोटिवेशन से, है ना, एक्सटर्नल से, तो आप थोड़ी सी देर में उसको क्या करोगे, काम को थोड़े दिनों में कम कर लोगे। ओके, जिससे मैं मोटिवेट हो रही हूँ खुद से। मैं ये चाहती हूँ कि मतलब अगर मुझे कोई और कहता कि आप ये पढ़ाओ, तो मेरे क्या होता कि एक दो दिन मैं पढ़ाती उसके बाद रुक जाती। लेकिन मुझे पता है कि मुझे पढ़ाना है। ठीक है? तो मैं खुद सेल्फ मोटिवेट होती हूँ और रोज़ डेली मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करती हूँ। ठीक है ना? तो क्या होता है, इनिशियल फेज होता है, यानी सबसे पहले आप क्या होगे? सेल्फ मोटिवेट होगे, उसके बाद ही आप कोई काम स्टार्ट करोगे, या हम इसको कह सकते हैं। और इंट्रोड्यूसिंग स्टेज, क्या बोलते हैं हम इसको? इंट्रोड्यूसिंग स्टेज, है ना, या इंट्रोडक्टरी स्टेज। मतलब कोई भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ इंट्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ? इंट्रोड्यूस करना, स्टार्टिंग में बताना। तो जब से पहले आपने कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चे को आप क्या करते हो? मोटिवेट करते हो, है ना। जैसे चैप्टर है कोई भी, या कोई भी लेसन है, आपने चैप्टर बोल दिया या लेसन बोल दिया, जब आप इसको क्या करोगे? स्टार्ट करोगे। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चे को आप क्या करते हो? क्वेश्चन पूछते हो। क्या करते हो? क्वेश्चन पूछते हो। क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछते हो आप? प्रीवियस नॉलेज से। क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। किससे? प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड, है ना, से रिलेटेड। क्यों पूछते हैं हम ये जो प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम बच्चे को बताना चाहते हैं कि आपको कुछ आता है इसके अंदर। ये जो लेसन हम पढ़ाना चाह रहे हैं उससे कोई ना कोई चीज़ हम उसको क्या है, जो रियल लाइफ है उससे कनेक्ट करवाएंगे। मतलब पूर्व ज्ञान आधारित जो हम करते हैं, या जो हम कहेंगे नॉन टू अननोन चलते हैं ना, तो हम नॉन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्या होता है, इंट्रोड्यूस करते हैं हम उसको उस चैप्टर को, है ना, कि हम क्या करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसको मोटिवेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, ये मोटिवेट क्यों कर रहे हैं? मोटिवेट टू रिसीव न्यू नॉलेज। ये मोटिवेशन का रीज़न क्या हुआ? मोटिवेट टू रिसीव न्यू नॉलेज। क्यों कर रहे हैं हम? न्यू नॉलेज। ओके, हमने मोटिवेट किया कि अब वो बच्चा न्यू नॉलेज को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है? अब जैसे आपके पास कभी भी कोई भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको तीन चार ऑप्शन देते हैं कि इंटरेस्ट की वजह से कर रहा है, या इमिटेशन की वजह से बच्चा कर रहा है कोई काम, तो और एक आ जाए ऑप्शन मोटिवेशन। तो हमेशा ही ध्यान रखना कि जब तक अभिप्रेरणा नहीं होगी, यानी वो खुद को प्रेरित नहीं करेगा या मोटिवेट नहीं करेगा, तब तक वो कोई भी काम नेक्स्ट स्टेप में नहीं कर पाएगा। तो मोटिवेशन हमेशा फर्स्ट में आपको रखना है। ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन दो तरह से होते हैं। क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं इसके। एक तो होता है मोटिवेशन होता है इंट्रिंसिक। क्या होता है? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। ओके, और एक होता है मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक। क्या होता है? एक्सट्रिंसिक। अब देखो, इनका मतलब क्या पता चल रहा है? अंदर, यानी इंटरनल, इंटरनल, है ना,
यानी आंतरिक, जिसको हम बोल सकते हैं, जो खुद हम सेल्फ मोटिवेशन होता है, और एक होता है एक्सट्रेंसिक, मतलब एक्सटर्नल, जो मोटिवेशन हमको बाहर से मिलता है। ठीक है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सटर्नल मोटिवेशन होने के बाद इसको जब तक हम इंटरनली नहीं अडॉप्ट करेंगे, तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट स्टेप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी ये होता है बाहरी मोटिवेशन, ठीक है ना, जो हमको बाहर से मिलता है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। एक्चुअली नेगेटिव नहीं होता है, ये भी होता तो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें क्या है ना, कुछ मतलब गारंटी नहीं होती। थोड़े दिनों बाद इंसान वापस ही क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, तो जब मदर टंग जो सीखते हैं हम, तो ये सबसे अच्छा है कि मदर टंग जो हम सीखते हैं वो हम किसकी वजह से सीखते हैं, इंट्रेंसिक मोटिवेशन की वजह से। मदर टंग जो हम सीख रहे हैं वो किससे सीख रहे हैं, इससे हम क्या सीखते हैं, मदर टंग सीखते हैं, यानी मदर टंग लर्निंग कह सकते हो आप इस। ओके, तो टू लर्न मदर टंग। और हमको अगर सेकेंड लैंग्वेज सीखनी है, सेकेंड लैंग्वेज जो हम सीखते हैं वो क्यों सीखते हैं, हम लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज जो हम सीखते हैं वो क्यों सीखते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन, मतलब हम लोगों को देखते हैं, अरे वाह यार ये कितना अच्छा इंग्लिश बोलता है। तो हमारे यहाँ इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज, ऐसे सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हम इंग्लिश जो ऐसे सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, यार ये बहुत अच्छा बोल रहा है ना, तो उसको देख के हम सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा वो मोटिवेशन क्या है, एक्सटर्नल है, यानी एक्सट्रिंसिक है। ओके, तो अगर हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं हमारी लाइफ में, तो वो क्या बन जाता है, इंट्रिंसिक, कि हमको करना ही है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है ना, सेल्फ मोटिवेशन होता है। क्या होता है? सेल्फ मोटिवेशन है ना। और ये जो मोटिवेशन है हम दूसरों से लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं ना, अडॉप्ट फ्रॉम अदर्स, यानी हम दूसरों को देख के हम मोटिवेट होते हैं। ओके, या कोई बाहर की चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। मतलब आप सेल्फ अपने आप को डिटरमाइन करते हो, अपन डिटर्मिनेशन क्या होता है, अपना डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय कि मुझे ये करना ही है, तो आप सेल्फ डिटरमाइन करते हो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, तो वो होता है इंट्रेंसिक, मतलब आपको अंदर से इच्छा हो रही है कि आप अंदर से करना चाह रहे हो। ठीक है, और ये जो होता है, दिस कैन बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ किससे, पिक्चर से, किसी और पिक्चर को आपने देखी। क्लास में कैसे करवाओगे, कोई पिक्चर दिखाओगे, कोई ऑब्जेक्ट दिखाओगे आप बच्चे को, ठीक है, या कोई ऑडियो विजुअल ऐड दिखाओगे, ऑडियो सुनाओगे, या कोई विजुअल कोई चीज़, मतलब विजुअल मतलब देखने की चीज़, या कोई सुना के आप उसको करोगे, है ना, कोई चार्ट आपने दिखाया, या आपने कोई मॉडल देखा, या आपने किसी को भी, है ना, लाइव करते हुए देख लिया, है ना, तो आप इन सब चीज़ों से क्या करते हो, सीखते हो। मतलब किसी भी तरह का ये आप टीचिंग ऐड ले लोगे, क्या ले लोगे, टीचिंग ऐड, टीचिंग मटेरियल्स जो हम बोलते हैं, आइटम्स जो आजकल हम काम में लेते हैं, तो इनसे हम क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक। इनसे हमको जो मोटिवेशन मिलता है वो क्या होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। ये भी कुछ टाइम तो चलता है, अगर ये आपने अडॉप्ट कर लिया लाइफ में परमानेंटली, तो वो बन जाएगा इंट्रिंसिक। और जब तक आप अडॉप्ट नहीं करते हो, तब तक क्या होता है कि आपने थोड़े टाइम के लिए सीखा तो, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं, जब हमको टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, तो जब जैसे कोई ज्योग्राफिकल कोई एरिया बताना है, तो मैप वगैरह का यूज़ किया, तो मैप का यूज़ करने से क्या होता है कि बच्चे की वो माइंड में परमानेंटली सेट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, एक्सट्रिंसिक, मतलब बाहर से बच्चों को क्या मिला, मोटिवेशन उसको पढ़ने का, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप आप कर रहे हो। ठीक है ना, समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये जो काम है आप दूसरों को देख के भी आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, इंटरनल जो होता है। अब ये जो आप करते हो, मोटिवेट करते हो, हाउ टू मोटिवेट, अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि दो तरह से मोटिवेशन हम करते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, लेकिन हाउ टू मोटिवेट कैसे करते हैं, हाउ टू मोटिवेट। अब बच्चे को आप क्लास में, हमारा मेन क्या, हम पढ़ रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज के लिए, तो हम सेकेंड लैंग्वेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को मोटिवेट कैसे करेंगे कि जिसका उसमें इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है, या तो हम उसको देखेंगे कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, है ना, तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट हम उसको पढ़ाएंगे, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट
हम उसका क्या करेंगे, टीचिंग करेंगे। यानी मैं लिख देती हूँ टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, उससे वो क्या होगा, मोटिवेट होगा कि नहीं यार इंटरेस्ट आ रहा है ना। या आप क्या करोगे, इंटरेस्टिंग, अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो इंटरेस्टिंग बुक्स, है ना, बुक्स का आप यूज़ करोगे, ठीक है। स्टोरीज़ का आप यूज़ करोगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। आप कुछ गुड एग्जांपल्स दोगे, क्या दोगे, एग्जांपल्स दोगे, है ना। इस तरीके से आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का आप यूज़ करोगे, ठीक है। कोई भी आप टीचिंग मटेरियल यूज़ करोगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ओके, लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे बच्चों को आप कि मोटिवेट करोगे, मोटिवेट करने के तरीके बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, क्वेश्चन आंसर सेक्शन सेशन चला सकते हो, सेक्शन ही सेशन, क्वेश्चन आंसर का आप सेशन स्टार्ट कर सकते हो। कैसे, कि आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने आंसर किया, तो अगर बच्चा आंसर कर पा रहा है, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ाया, कोई टॉपिक पढ़ाया, बच्चा आंसर कर पा रहा है, तो वो मोटिवेट होगा कि येस आई कैन डू दिस, है ना। तो मोटिवेशन क्या होगा, क्वेश्चन आंसर से भी ला सकते हो आप। या बच्चे को आप क्या दोगे, इंसेंटिव, इंसेंटिव में क्या दोगे आप, कोई प्राइज़ दिया आपने, ठीक है, या उसकी आपने तारीफ कर दी, है ना, क्या कर दी आपने, प्रेज कर दी, है ना, तो आपने कोई तारीफ कर दी, तो इन सब से बच्चे का क्या होता है कि मोटिवेशन बच्चों को ज़्यादा मिलता है। अब मैं आपको बताऊँगी टेक्निक्स, इनकी क्या होती है, थ्री टेक्निक्स टू मोटिवेट लर्नर्स, मोटिवेट। अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि लर्नर को मोटिवेट करने की कितनी टेक्निक्स होती है, तो मेनली अगर टेक्निक्स माने तो थ्री टेक्निक्स होती है। वेरी फर्स्ट टेक्निक है अराउजिंग, क्या है, अराउजिंग टेक्निक। अराउजिंग का मतलब राइज करना, उसको जगाना, अराइज करना, जागृत करना, जगाना या जागृत करना कहते हैं हम हिंदी में, है ना। कुछ कुछ मैं हिंदी वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ जिससे मतलब हेल्प मिल जाएगी जिसको हिंदी में समझ में आता है। तो अराइज आप कैसे करोगे, मतलब उसको अवेयर कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, टू अवेयर द स्टूडेंट्स, है ना, टू अवेयर द स्टूडेंट्स। अब कैसे करते हो आप, या आप ये कह सकते हो कि उनका इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो, तो क्या बोल सकते हो, अराउजिंग, अराउजिंग प्यूपिल्स, प्यूपिल्स मतलब स्टूडेंट्स, क्या है ये, प्यूपिल्स इंटरेस्ट टुवर्ड्स लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग मतलब आप लैंग्वेज के लिए तो कर रहे हो ये सब, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो लैंग्वेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट डेवलप करोगे किसके लिए, लैंग्वेज को लर्न करवाने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उनको अराउज करवाओगे। कैसे करवाओगे, कि आपको ये लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, इसके बेनिफिट्स बताओगे, ओके, टू टेल बेनिफिट्स, क्या बताओगे आप उनको, बेनिफिट्स, क्या बताओगे आप, बेनिफिट्स, है ना, बेनिफिट्स बताओगे कि क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, है ना, कि क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि आप किसी के सामने क्या कर सकते हो, कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, क्या बता सकते हो आप बच्चे को, कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, है ना। या आप किसी के सामने ईजी कॉन्वर्जेसन कर सकते हो, क्या बताओगे, कॉन्वर्जेसन हो जाएगा, कॉन्वर्जेसन ईजीली कर लोगे, है ना, आप ईजीली मतलब लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, है ना। यू कैन कनेक्ट विथ अदर्स ईजीली, है ना, ईजीली मतलब लोगों से आप क्या कर पाओगे, ईजीली कनेक्ट कर पाओगे। इस तरीके से आप उनको क्या बताओगे, बेनिफिट्स। और ये जो अराउजिंग टेक्निक है, ये क्या करती है, जो बच्चा होता है या जो इंसान कोई भी होता है ना, उसको जो उसकी स्लीपीनेस है, स्लीपीनेस मतलब जो वो सोया रहता है, मतलब किसी बारे में उसको नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, उससे बाहर निकालती है, उसको एंग्जाइटी से बाहर निकालती है ना, टेंशन वगैरह जो होती है उससे बाहर निकालती है। या बंदा कोई फ्रस्ट्रेशन में है, क्या है, फ्रस्ट्रेशन में है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उन सब चीज़ों से ये क्या करती है, मोटिवेशन जो है उसकी अराउजिंग टेक्निक, वो क्या करती है, उसको बाहर निकालती है इन तीनों चीज़ से, वो टू टेक आउट यानी कम आउट, है ना, यानी बाहर निकालती है, ठीक है ना, मैंने क्या लिखा, बाहर निकालती है। तो ये अराउजिंग टेक्निक होती है, वेरी फर्स्ट टेक्निक। सेकंड टेक्निक क्या होती है, इसके बाद हम सेकंड टेक्निक पढ़ेंगे। सेकंड टेक्निक है एक्सपेक्टेंसी, क्या है, एक्सपेक्टेंसी, ओके, यानी एक्सपेक्टेंसी किससे बना है, एक्सपेक्टेशन किससे बना है, यानी बच्चों को आप बताओगे कि आप खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हो, वॉट डू यू एक्सपेक्ट
फ्रॉम योर सेल्फ. ओके, क्या बताओगे आप कि आप खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हो, यानी इसका मतलब क्या होता है, गोल्स. क्या बताओगे आप उनको, गोल्स, कि वॉट आर योर गोल्स. ओके, वॉट आर योर गोल्स. क्या बताना है आपको बच्चों को कि आपके कौन कौन से गोल्स हैं, है ना. यानी आप टीचर क्या करेगा, टीचर का क्या एम है. टीचर पुट क्लियर कट, क्लियर कट यानी साफ साफ गोल्स आप बताओगे. क्या बताओगे, क्लियर कट गोल बिफोर द स्टूडेंट. ओके, मतलब टीचर का क्या काम होता है, स्टूडेंट के सामने क्या करना होता है, जो उसका जो गोल है वो आपको सामने रखना है. उसको ये बताना है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपका क्या गोल है, ठीक है ना, कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में. तो आपको टारगेट लैंग्वेज उससे रिलेटेड गोल बताने, क्या है, गोल्स रिलेटेड टू, गोल्स रिलेटेड टू टारगेट. ओके, रिलेटेड टू टारगेट लैंग्वेज, है ना, टारगेट लैंग्वेज से रिलेटेड है ना, या जो भी उसके गोल्स हैं. और उसको ये बताना है कि आप ये कर सकते हो, यू कैन डू दिस जॉब. ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी. तो ये हो गया एक्सपेक्टेंसी में. नंबर थ्री जो होता है उसमें क्या होता है, अब इसमें क्या बताओगे कि आपको जॉब चाहिए, ठीक है. तो आपने गोल बताया कि यार आपका गोल क्या है, जॉब करना. गोल क्या है, जॉब करना. तो जॉब करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा. तो जॉब उसका क्या हो गया, मोटिवेशन हो गया. तो ये भी एक टेक्निक हो गई ना. अब तीसरा होता है इंसेंटिव. क्या होता है, इंसेंटिव. इंसेंटिव का क्या मतलब होता है, पुरस्कार देना. अब पुरस्कार यानी इंसेंटिव जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है. मतलब अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो आप क्या करोगे, नेगेटिव आप इंसेंटिव दोगे, और अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो पॉजिटिव इंसेंटिव दोगे. जैसे आप उनको क्या करोगे, ऑफर देम इंसेंटिव, मतलब इंसेंटिव आप उनको ऑफर करोगे, ठीक है. कैसे कैसे इंसेंटिव, जैसे सच एज. सच एज का मतलब होता है एग्जाम्पल, मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से. इस तरह से एक तो आप उनको प्राइज दे सकते हो कि कुछ अच्छा, जैसे टॉफ़ी दे देते अपन बच्चों को, है ना. या बड़े बच्चे तो उनको बताएंगे कि यार आपकी ग्रेड अच्छी आएगी, आपकी मार्किंग अच्छी आएगी. या उनकी आप तारीफ़ कर सकते हो, है ना, कि यार आप, मतलब प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, है ना. और अगर आपको नेगेटिव देना है तो पनिशमेंट दे सकते हो. पनिशमेंट क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है. और आप क्या कर सकते हो, बच्चों के बीच में कंपटीशन लाते हो. क्या लाते हो, कंपटीशन. कंपटीशन जो होता है वो कुछ हद तक तो पॉजिटिव भी होता है और कुछ हद तक नेगेटिव. कभी कभी ये नेगेटिव मोटिवेशन दे देता है और कभी कभी ये पॉजिटिव मोटिवेशन देता है. मतलब बच्चे में कभी कभी जेलस और ये सारी चीज़ें भी आ जाती है. तो बच्चा करने की जगह उल्टा भी हो सकता है ना. और एक और चीज़ होती है अप्रिसिएशन. अप्रिसिएशन, ठीक है. तो ये भी क्या होता है, एक तरीके से इंसेंटिव होता है कि उसकी तारीफ़ करना, प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, है ना, कि आप ही कर सकते हो, हाँ वेरी गुड, आप ही कर रहे हो, और करो और करो. जैसे है ना, आप कुछ समझा रहे हो, कुछ बच्चा बोल रहा है, आपने उसको खड़ा किया कि हाँ इसका आंसर करो, बीच बीच में बच्चे को बोलते जाओगे वेरी गुड वेरी गुड, आप यूज़ कर रहे हो वेरी गुड, है ना, वेरी गुड वेरी गुड, है ना, कीप इट अप, है ना, मतलब लगे रहो, है ना, करते रहो, कीप इट अप, ठीक है. तो ये सब चीज़ है ना, गो अहेड, आगे बढ़ो. क्या, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, बच्चों को आप बार बार मोटिवेट कर रहे हो. मोटिवेशन के वर्ड्स हैं, मोटिवेशन वर्ड्स, है ना, ठीक है. तो इस तरीके से आप मोटिवेट करते हो क्लास में, बच्चा जब आंसर करता है. अब मैं इसकी कुछ आपको ये बताऊंगी एस्पेक्ट्स, यानी मोटिवेशन है वो किस साइकिल से चलता है, मतलब इसकी क्या साइकिल है. क्या है, एक साइकिल होती है, एक पूरा एक राउंड मान लो, ये आप क्या मान लोगे, एस्पेक्ट्स, है ना. क्या इसके एस्पेक्ट्स है कि बच्चा क्यों मोटिवेट होगा, है ना, क्यों मोटिवेट होगा स्टूडेंट, है वो क्यों मोटिवेट होगा किसी भी चीज़ को करने के लिए. तो सबसे मेन चीज़ होती है, फर्स्ट, वेरी फर्स्ट चीज़ होती है उसकी नीड. फर्स्ट होती है नीड. नीड मतलब ज़रूरत, कि उसको ये करना है. जैसे कि आज अगर मैं कुछ करती हूँ, या आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी कुछ भी कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है. अगर आपको पैसे ही, आपको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, खूब पैसे मिल रहे हैं, खूब कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह से. कभी कभी क्या होता है ना, कि मेंटली हम अपने आप को सेटिस्फाइड रखना चाहते हैं, तो वो भी एक ज़रूरत है अपनी, एक नीड है. तो नीड की वजह से आप मोटिवेट होते हो. जब तक आपको मेंटली नीड नहीं होगी, तब तक आप वो काम नहीं करोगे. जैसे मैं अपनी नीड बताती हूँ कि मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं रीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं क्यों करूँगी रीट की प्रिपरेशन, ठीक है ना. अब उसके बाद आप इसको क्या करोगे, नीड है, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको ड्राइव करोगे, आप ड्राइवर बन जाओगे. और आप इसको क्या करोगे, कीप यू, अब ये जो आप इसको करते हो, तो क्या करते हो आप, ये आपको क्या करता है, कीप यू एक्टिवेट, मतलब ये आपको एक्टिवेट रखता है, ड्राइव रखता है ना,
मतलब आप ड्राइव करते हो, इसको चलाते हो, आप एक्टिवेट करते हो, ठीक है। अब इसके बाद जब आपने कोई मतलब ड्राइव किया अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने इसको मोटिवेशन को आगे आपने बढ़ाया, तो क्या होगा, आपको कोई ना कोई इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। अब आपको इंसेंटिव अगर पॉजिटिव मिला तो आप आगे बढ़ोगे, और अगर नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, तो आप पीछे चले जाओगे, ठीक है ना। आप क्या करोगे, इसमें आप क्या बढ़ जाओगे, आगे, और इसमें आप जाओगे पीछे। तो इंसेंटिव पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, और गलत चीज़ के लिए आपको कभी कभी जो नेगेटिव इंसेंटिव देना पड़ता है तो वो भी आपको आगे ले जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कर लोगे, गोल को अचीव कर लोगे, ठीक है। तो आप गोल अचीव करते हो, तो इस तरीके से ये इसका एक साइकिल होता है कि जब तक नीड नहीं होगी कोई भी क्या नहीं करेगा, मोटिवेट नहीं होगा, फिर उसको आप ड्राइव करोगे, यानी ये आपको ड्राइव करने पे क्या होगा, ये आपको एक्टिवेट रखेगा, फिर आपको कोई इंसेंटिव मिलेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंसेंटिव का आपके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, उसकी वजह से आप कितना मोटिवेट हो रहे हो, तो मोटिवेशन को ये ग्रोथ देगा, फिर आप अपने गोल को अचीव करोगे। इस तरीके से मैंने आज आपको पढ़ाया प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। एक्चुअली मेरा गोल था काफ़ी शॉर्ट में बताने का, पर एक्सप्लेनेशन करने में काफ़ी लॉन्ग हो गया। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में एक और लाइन मैं आपको बताना चाह रही थी, जो स्किनर है, ओके, स्किनर ने एक लाइन बोली है, स्किनर ने एक लाइन बोली है, मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। क्या है, सुपर हाईवे टू लर्निंग। ये डबल इन्वर्टेड कोमा में इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्या है, किसी की एक तरीके से डेफिनेशन है, मतलब उसने पूरी एक डेफिनेशन दी कि जो मोटिवेशन है, जो भी प्रेरणा है, वो सुपर हाईवे, बहुत बड़ा राजमार्ग है ना, सबसे बड़ा राजमार्ग है, सबसे पहला राजमार्ग है जिसपे आप चलकर लर्निंग कर सकते हो, मतलब अधिगम कर सकते हो, यानी आप कुछ सीख सकते हो। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। और मोटिवेशन का मतलब अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, जो प्रेरणा मिलती है हमको कुछ करने की, स्वयं से जो प्रेरणा मिलती है, ठीक है ना, दूसरों को देख के भी जो हम खुद को अभिप्रेरित करते हैं, दैट इज़। तो आपको समझ में आ गया इसकी टू टाइप्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ओके। उसके बाद हमने करा इसमें कौन कौन से वो हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक के बाद में हमने करा, वन से मैं आपको बताती हूँ, टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन सी इसकी टेक्निक है, कि मोटिवेट कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर आपने मैंने आपको बताया कि टेक्निक्स में अराउजिंग टेक्निक, अराउजिंग के बाद आएगी एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, और उसके बाद आएगी इंटेंसिव टेक्निक, और इसका एक जो साइकिल है या पूरा सर्कल है वो किस तरीके से चलता है, मोटिवेट कैसे होते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने मोटिवेट प्रिंसिपल पढ़ा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, नेचुरलनेस और हैबिट फॉर्मेशन, ओके। थैंक यू।